हो कौन तुम और नाम क्या है तुम्हारा? शिवाय। नाम याद कर लो, काम आएगा। देखो मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि मुझे यहाँ चाइना में क्यों लाया गया है। आपने एक बार रजिस्टर चेक करिए, जरूर कोई गलती हुई है। देखो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं चाइना में क्यों हूँ और कहाँ है। ये तो सिंपल क्वेश्चन। कैलाश, कैलाश पर्वत पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में। मेरी असुर चौकड़ी को मृत्यु के घाट उतार दिया। आज के युग में असुर को मारने के लिए आसुरी शक्ति का होना आवश्यक है। तो फिर कौन है जिसने मेरी असुर चौकड़ी का विनाश किया? हीरो? मैंने गुली डंडा से नहीं मारा, मिसाइल से मारा मैंने। तो फिर किसके पास है अंगूठी? या तो तू झूठ बोल रहा है या अंगूठी किसी और के पास है। मैंने मार दिया, हीरो इज डेड। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं खत्म। डांच दंच मानव, मेरे साथ आओ। यदि हीरो मर चुका है तो फिर अंगूठी किसके पास है? क्षमा, क्षमा कर दीजिए गुरु शुक्र, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। अपने मन के इस संचय के बारे में हमें विस्तार से बताओ। वो हीरो मेरे सामने था, मैं जैसे ही उसके करीब गया कि अचानक मेरे सामने उस अमल नंदा का सारा जीवन आ गया। मेरे पापा कहाँ है? पापा? पापा? ऐसे लगा जैसे मेरे भीतर कोई मानव नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क मेरे वश में नहीं है गुरु शुक्र। ये सुन किया गया क्या है? ये कहानी कितना ट्विस्ट ला रही है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। महाबली दंश, तुम्हारी मनोदशा युद्ध के बाद कुछ ठीक नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अब तुम विश्राम करो। जो आ गया गुरुजी, आपको फॉलो करता हूं, तब कुछ पता चलेगा। हीरो के अंतिम विधि के लिए हम सबको सिटी ग्राउंड चलना होगा। मैं आप सभी को विनती करूंगा कि आप सभी हमारे साथ चलें। सॉरी, पता नहीं कौन से मिट्टी से बने हो तुम लोग। उन्हें मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बंधु, मैं तुम्हारा हमेशा बच्ची बेबी रहूंगा। वहां वीर ने सबकी जान बचाने की, तुम दोनों भले मुझे यहां कैद करके लेके आए, पर आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं होने थी।
खास करके बंधु जिसने मेरा खाने का भी ख्याल रखा। माय बच्ची बेबी। अब तेरी चिता को भी आग लगानी पड़ेगी। ये सही नहीं है, गलत है बच्चे, गलत। मुंबई जाना है मुझे, मेरी फैमिली के पास, समझे? अरे उधर नहीं। अंग्रेजी में ना एक कहावत है, थिंक बिफोर यू लीप। लेकिन तुझे कहां समझ में आएगी, उसके लिए दिमाग चाहिए। Yes, shut up! Okay. अब एक बात ध्यान से सुन, तेरा मुंबई सेफ है। मिसाइल से किसी की जान नहीं गई, इसलिए एंजाइटी का नाश्ता खाना बंद कर। जारा, नाम तो देखो, वीर जारा। शाहरुख खान है तू, और वो प्रीति जिंटा, यशराज की पिक्चर बना रहे हो ना? नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। जिसको जो बोलना है बोले, जो कहना है कहे। I don't believe this. फिर तुम ना मुझे बस कोई कोई सिग्नल, कुछ कुछ एक साइन दो। just give me one सिग्नल, okay? just give me one सिग्नल। तुम्हारी तो आदत हो गई गायब होते रहने की, कभी भी कहीं भी गायब हो जाते हो। अगर तुम कभी ऐसे गायब हो गए कि मैं तुम तक पहुंच ही ना पाऊं, मैं क्या करूंगी? तो चांद टू चांद बात करेंगे, पहला चांद। ओके, मैं भी उसे देखूंगा, तुम भी उसे देखना, हो जाएगा कनेक्शन। ओके, बस एक बार कोई सिग्नल दो प्लीज। बोल, दारा से मिलना है ना? मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा। इतना कुछ जानता है मेरे बारे में? है कौन? तूने अब जाके सही सवाल किया है। मैं कौन? बताना कौन है तू? मैं तेरा गुरु। हिंदी में आचार्य, इंग्लिश में टीचर और फ्रेंच में प्रोफेसर। और अब एक बात ध्यान से सुन, पावर इज विदिन यू। जो करना चाहता है ना, उसे अंदर से पाने की कोशिश कर, अंदर से, समझा? मुझे मंटू को रोकना होगा, पर रवीर का सीक्रेट कि वही हीरो है, सबके सामने आ जाएगा। शहर के हीरो की चिता को अग्नि देने के लिए कृपया उनके परिवार का कोई सदस्य आगे आएगा। गॉड, मैंने सही टाइम पे रोक लिया। पंटू, इस खाली चिता को तुम आग नहीं दोगे, वीर के कोई भी लास्ट रिचुअल्स नहीं करोगे तुम, उसे कोई अलविदा नहीं कहेगा, समझे? पंटू,
फिर जिंदा है। जिंदा है? कहाँ है वो? कैलाश पर्वत। ये सब बताने के लिए तू मुझे कैलाश पर्वत में लेकर आया है? जो बोलोगे वो मैं मान लूंगा। मेरी अंगूठी मेरे पास होती ना फिर बताता तुझे। पता क्यों रहा है, गुदगुदी हो रही है। हाँ? क्या क्या कह रहे थे तुम? जारा ने तुम्हें अंगूठी बनाई? शादी हो रही है तुम्हारी? प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो अंगूठी मेरे लिए कितनी स्पेशल थी। उसकी मदद से असुरों से लड़ रहा था मैं। कहाँ है वो अंगूठी? असुरों के पास, वीनस पर। नहीं, अंगूठी यही है, इसी प्लैनेट पर। तेरी रिंग तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, पर क्या तू उस रास्ते पर चल पाएगा? कुछ भूला नहीं है। तेरी वजह से मेरे भाई शान की मृत्यु हुई। तुझे ढूंढ निकालूंगा, तेरे लहू से अपनी भूख शांत करूंगा। परंतु वो कौन था जिसने मुझे रोका तुझ तक पहुंचने से? नहीं बचेगा हीरो, मैं आ रहा हूं हीरो, आ रहा हूं। ओ हीरो, चलने की सोचता रहेगा यार? चलेगा भी, रिंग इंपॉर्टेंट है ना। तो आखिर तू मुझे मिल ही गया हीरो। अब तुझे मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैं बताता हूँ यहाँ पर कैसे होता है। कि ये क्या है? यहाँ पर ये काम आता है। इंग्लिश में एवलांश, हिंदी में हिमखलन और लैंडेरियन में यूबिंग कहते हैं। तो भागना इंग्लिश में कि हिंदी में? किसी भी लैंग्वेज में भागो, लेकिन भागो।
मुझे लगता है एवलांच खत्म हो गया। हाँ देखना प्लीज, मेरा हाथ कभी भी छूट सकता है। क्या बात है, हाँ जल्दी खत्म हो गया। ऊपर जाकर चेक करता हूँ। हाँ जा। तो बता वीर कहाँ है? मामा जी पूना अटैक के बाद एकदम से वीर भैया फिर मीठी मीठी मामा जी अब ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है ना? वीर कहाँ है? साउथ में। साउथ में? साउथ में? साउथ में वो एक्चुअली क्या हो गया ना मामा जी, ये जो भी शहर में हुआ है ना, उसके पहले ही उसे साउथ में एक फिल्म मिल गई थी। भैया ने तो कुछ भी नहीं बताया हमें इस बारे में। साउथ में कहाँ है? केरला, वो भी बताने वाला था। केरला, केरला में बैकवाटर्स जो है। अरे मामा जी आप गए हो ना वहाँ लोकेशन हंटिंग के लिए? कितनी बार गए हो वहाँ पे, नेटवर्क का कितना प्रॉब्लम होता है ना। पर शूटिंग वहीं हो रही है। शूटिंग वहीं हो रही है। अच्छा तो ठीक है वो। ठीक है बिल्कुल। चलो अच्छा है कि वो ठीक ठाक है, सही सलामत है। लेकिन कितना बड़ा बेवकूफ है, साउथ चला गया और किसी को बताया भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो मामा जी, मैंने जब उससे बात हुई ना तो मैंने भी उसको यही बोला कि क्या कर रहा है तू। तो मामा जी आप ही समझिए ना कि जो कुछ भी हुआ है शहर में उसके बाद में वो कैसे हमें बताएगा कि वो पहुंच गया है, वो सेफ है, नेटवर्क तो यहाँ पर भी नहीं है ना। नेटवर्क का प्रॉब्लम है जी। पराक्रम, देवताओं से युद्ध जीतने के लिए वो अंगूठी बहुत अहम है। पूरे ब्रह्मांड की तबाही है वो अंगूठी, ब्रह्मांड में असुर राज की अत्यावश्यक कड़ी। कहाँ है वो अंगूठी? असुर श्रेष्ठ एक बाधा अन पड़ी है। वो हीरो मेरे सामने था, मैं जैसे ही उसके करीब गया कि अचानक मेरे सामने उस अमल नंदा का सारा जीवन आ गया। महाबली दंश को अमल नंदा का स्मरण हो चला है, वो मार दीजिए उसे। समझा, आपने उसे बनाया है, आप उसे मारना नहीं चाहते। हम वो, परंतु दंश के साथ जो हो रहा है उसके परिणाम भली भांति जानते हैं आप? अवश्य जानते हैं। अमल नंदा की स्मृतियां धीरे धीरे दंश को दीमक की तरह खा जाएंगी और एक ऐसा क्षण आएगा जब ना वो असुर रहेगा और ना ही मनुष्य, सिर्फ एक बेहद प्राणी। परंतु उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो दंश कैसे बना। तुम लोग सब ठीक हो? आई एम थैंकफुल ऑफ दैट। लेकिन तुम्हारा बेटा कौन से ट्रिप पे गया, प्लीज बताओ मुझे। ये रंजू ने आते ही गेम शो क्यों शुरू कर दिया? बिंदु कहाँ है रॉकी? वो गया है किसी दूसरे प्लेनेट पर। वाह, प्लेनेट ही बदल दिया, क्या पकड़ी हो तुम? हाँ क्या बोल रही हो? और क्या बोलूं मैं रंजू, तुमने आते ही ये गेम शो खेलना शुरू कर दिया मेरे साथ। मतलब? वो गया है किसी मिशन पे। मिशन पे? अरे वो मेडिटेशन के लिए रायगढ़ में, वो विपासना के लिए। अरे कितना स्ट्रेस में था बेचारा वो, और पता है वहाँ पे फोन भी अलाउड नहीं है। अकेला रह लेगा तुम्हारा पुत्र? बड़े मजे से है। क्या मतलब? अरे मजे में तो इतने सारे लोग जो है वहाँ पे, और पता है कितनी मेहनत करता है मेरा बच्चा। मेहनत कर करके बादाम की तरह सूख गया है वो, और तो उसके फोरहेड पे वो स्ट्रेस वाली लाइन भी आ गई है, तो इसलिए मैंने कह दी कि तू जा। इस भी नहीं है रॉकी भी,
गायब है और शूटिंग बंद है हमारी, कब तक रहेंगे हम लोग ऐसे यहाँ पे? हमारे शहर का जो हो रहा है वो हो ही जाए। रंजू, शहर का जो होना है वो हो ही जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारे जीजा जी आए थे। क्या कि मैं आगे की रणनीति तय नहीं कर लेता, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये धंज कैसे बना। असुर श्रेष्ठ क्रोध ना करें। यदि वो हीरो जीवित है तो उसे खोजिए, इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। यदि वो जीवित है तो वो अंगूठी भी उसी के पास है। यदि वो जीवित है तो अब तक वो अंगूठी उससे जुड़ चुकी होगी हमेशा के लिए। राक्रम। पृथ्वी पर जाओ और पता करो हीरो जीवित है या मृत। मुझे प्रमाण चाहिए। स्मरण रहे, धरती फाड़नी पड़े या आकाश चीरना पड़े, जाओ ढूंढो, ढूंढो कोई तो ऐसा होगा जो हीरो का अपना होगा। उसे तड़पाओ, बलिदान दे दो उसका। जिसे मारना पड़े मारो, परंतु मुझे हीरो चाहिए। दंश, आपके पास और कोई उपाय नहीं है। हमारे साथ चलने के लिए स्वयं मान जाइए और दुर्ग लौट चलिए। अरे ये क्या क्या इन्होंने, जलकर भस्म हो गए होंगे। मूर्ख हो तुम सबके सब। क्या लगा कि दंश इतनी आसानी से मर जाएगा? लावा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो है महाबली दंश। मैं जानता हूं कि वो जीवित है, जाओ ढूंढो उसे। शीघ्र ही। फाइनली धूप निकली।
असुरों के बारे में सारी जानकारी, उनका सारा विवरण यही होता है, तो मुझे मेरे बारे में भी यहाँ पता चल जाएगा कि जो कुछ मुझे हो रहा है वो क्यों हो रहा है और गुरु शुक्र मुझसे क्या छिपा रहे हैं। अरे अकल के दुश्मन, जब हमारे पास प्लेन था तो यूज क्यों नहीं किया? शौक बहुत होते। हाँ? ये देखो फिर शौक हो गए। चलो अच्छा अंदर बैठो आराम से। थोड़ा पुराना नहीं लग रहा? क्यों माइलेज निकालनी है क्या? वैसे यू आर राइट, थोड़ा सा पुराना है। बेसिकली मेरे दोस्त ने इसे 1971 की वॉर में यूज किया था। तुम्हारा दोस्त 1971 की वॉर? हाँ, अब ये मत बोलना कि मैं फेंक रहा हूँ, यू नो ना, झूठ बोलना अपनी स्टाइल नहीं, और तू भी झूठ मत बोला कर, अच्छी बात नहीं होती। मुंबई जाने के बाद मेरे को थेरेपी लेना पड़ेगा। तू बहुत बड़ा सरदर्द है भाई। ये खटारा पक्का चलेगा ना? ये ले। इसका क्या करना है? हाय भैया। हाय भैया, हमें पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट भैया आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। यहाँ ना बहुत मुश्किल से हो रहा है सब कुछ, आप आ जाओगे ना तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। प्लीज भैया जल्दी आ जाओ। प्लीज जल्दी आ जाओ भैया, वी लव यू सो मच भैया, वी लव यू भैया। स्माइल करना स्वीटी, लव यू भैया। बताएगा इसका करना क्या है? अरे बोलेगा क्या करना है इसका, किसे मारना है? बोल बम। कैसी बातें कर रहा है यार, सबकी जान प्यारी होती है, हमारा कर्म है सबको प्रोटेक्ट करना, समझा? एवरी लाइफ, बिकॉज़ एवरी लाइफ मैटर्स। ए यार तू जाना फटाफट स्लीपर पे मारना। क्यों? प्लेन उड़ेगा कैसे? डैम, तूने कभी गुलेल मारी है? हाँ हमारी बस, वैसे ये रस्सी पीछे प्लेन से बंधी है, वो देख ना लिखा। अरे छोड़ना यार, तू मारना ताकि हम गुलाल के पत्थर की तरह उड़ जाएंगे। अरे ये क्या पागलपन है, मैं नहीं कर रहा ये सब। ये वापस आ गया, चाहता क्या है? ठीक है तू ना बच्चे जैसे यहाँ बैठा रहे और रोता रहे, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं कर रहा। देख मैं ना यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ, मैं तो कट लूंगा। तू कैसे कटेगा? अरे पर कटना क्यों है? क्योंकि तेरा दोस्त उसे मिलने आ रहा है, वो देख। भेड़िया जैसे स्नो लेपर्ड है ना, वैसे ये स्नो वुल्फ है। अरे यार तू ना बहुत बड़ा ट्रॉमा है, तू ना बहुत बड़ा ड्रामा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.